पिछले कुछ दिनों से क्योंकि एक्टिविटीज़ जिसकी काफ़ी ऑब्जर्व की गई हैं, तो हाई अलर्ट पे सारी नफरी है। तो जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिली तो तुरंत एक्शन लेते हुए सभी एरियाज़ को हमने सर्च करना स्टार्ट कर दिया। वो दुनिया को दिखाना चाहता था कि देखिए जी हमारी तरफ से कुछ नहीं हो रहा, पर असलियत बात यह है कि वो मिलिटेंट्स भेजने में नाकाम हो रहा था, इसीलिए उसने सीज़फ़ायर डिक्लेयर कर दिया। तो उसने अब शुरू किया है ड्रोन्स का सिलसिला। आज दोनों रास्ते कारोबार के लिए बंद है। मैं कहती हूँ करो पाकिस्तान के साथ बात, करो कारोबार फिर से शुरू, मुजफ्फराबाद और औरंगाबाद से शुरू क्यों नहीं करो। अब देखो क्या है कि किसी को सपने देखने पे तो कोई टैक्स है नहीं, इसलिए ड्रीम विदाउट टैक्स, इसी को कहते हैं। अब सही देखने दीजिए सपने। स्पेशल एडिशन जम्मू कश्मीर में तंदाज सेक्टर से देख रहे हैं। एलओसी यहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की साजिशों की बात करेंगे, पाकिस्तान के नापाक इरादों की बात करेंगे, क्योंकि जी न्यूज पर हम आपको ग्राउंड रियलिटी लगातार दिखा रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में विकास कैसे तेजी से आगे बढ़ रहा है, रोजी रोटी आ रही है, बढ़ रही है, तो इससे कश्मीरियों के चेहरे पर रौनक खिल रही है, पर्यटक आ रहे हैं। लेकिन कोई है जिसे जम्मू कश्मीर में अमन चैन, जिसे जम्मू कश्मीर में विकास, जिसे जम्मू कश्मीर में शांति अच्छी नहीं लगती और लगातार साजिशें उसके द्वारा रची जा रही हैं। एक नहीं कई साजिशें रची जा रही हैं जिन्हें आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। सबसे बड़ी खबर आज जो जी न्यूज आपको दे रहा है वो ये कि पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट अब मंदिरों को निशाना बनाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में, और जानते हैं क्यों, ताकि जम्मू कश्मीर में दंगों को भड़काया जा सके। आप ये भी देख रहे हैं लगातार कि सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशंस चला रहे हैं आतंकी खात्मे के लिए। आज वो बकलाहट बारामूला में दिखी, ग्रेनेड अटैक उनके द्वारा किया गया, आतंकियों द्वारा किया गया, और साथ ही सांबा सेक्टर में 3 संदिग्ध ड्रोन, जो ड्रोन वाली साजिश है, एक बार फिर से उसका एक नमूना सांबा सेक्टर में देखने को मिला है। लेकिन ये सब खबरें हम आपको बता रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, जम्मू कश्मीर के नेता ये सब क्यों नहीं समझते, इसे लेकर वो सवाल क्यों नहीं पूछते, महबूबा मुफ्ती इस पर क्यों चुप रह जाती हैं कि इस तरह की साजिशें पाकिस्तान द्वारा किस तरह रची जा सकती हैं, इस पर वो सवाल क्यों नहीं पूछती। वो तो बार बार पाकिस्तान से बातचीत कर आग लगाती हैं, और इसीलिए आज का ताल ठोक के स्पेशल एडिशन तंगधार से इन सवालों के साथ कि कश्मीर में साजिशों की क्रोनोलॉजी को समझना होगा और नेता इन्हें क्यों नहीं समझते। सवाल ये भी है कि टारगेट पर मंदिर, दंगे का प्लान है ये पाकिस्तान का, कश्मीर पर वार किया जा रहा है, नेता क्यों चुप है कश्मीर के। वैसे तो बहुत कश्मीर क्या होने का, कश्मीर के विकास का, कश्मीर की फिक्र रहती है उन्हें, और साथ ही नए कश्मीर से पाकिस्तान बेचैन क्यों है। हालांकि इस सवाल का जवाब हम और आप सभी जानते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, हमारे साथ राजीव जेटली हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, हमारे साथ सुशील पंडित हैं कश्मीरी पंडित हैं, हमारे साथ मेजर जनरल जी द्विवेदी हैं डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ निलोफा मसूद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से। और निलोफा मसूद, सबसे पहला सवाल आप ही से मेरा, बिल्कुल सीधा सवाल, पाकिस्तान से बात, पाकिस्तान से बात, महबूबा मुफ्ती भी कहती है, फारूक अब्दुल्ला साहब भी कहते हैं, ऐसे पाकिस्तान से बात जो इस तरह से चौतरफा साजिश कर रहा हो भारत को कॉर्नर करने की। देखिए, बात करनी तो जरूरी पड़ेगी क्योंकि नेबर है हमारे, और डिस्प्यूट भी दोनों के बीच में, जब तक नेबर्स के बीच में शांति नहीं होगी तो मुझे नहीं लगता है जम्मू कश्मीर में शांति रहेगी। एक हल निकालना विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत जरूरी है, जब तक वो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक हल हम नहीं निकालेंगे स्टेट को लेकर। मतलब क्या है हल निकालने का, मतलब क्या है आपके नजरिए में, क्या जिसकी बात आप करें वो हल चाहता है? अगर हल चाहता है तो बातचीत की बात करेगा ना, हल चाहता है तो आतंकवादी नहीं भेजेगा आपके यहाँ, आपके यहाँ गन नहीं भेजेगा, आपके यहाँ लोगों को उकसाएगा नहीं, भड़काएगा नहीं, मंदिरों पर अटैक की साजिश नहीं करेगा। जिसके बीच में तो लेकर जब बात नहीं करेंगे, टेबल पर नेगोशिएशन नहीं करेंगे, तब तो क्या मुद्दा कहीं पाकिस्तान के लिए, कहीं हमारे भारत के लिए हमेशा रहेगा? इस मुद्दे को कहीं ना कहीं हमें सुलझाने की कोशिश तो करनी है ना, इसलिए इस डायलॉग को लेकर हमें ऑडियो भी लाना है।
हमें उनको भी लाना है ताकि हम इस मुद्दे पर बात कर सके। आप लोग डायलॉग 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 बोलते रहते हैं, डायलॉग के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। बोली और गोली साथ नहीं चलती, आतंकी साजिशें और बातचीत साथ नहीं चलती, गोलियां और साथ में आप शांति की बात करें साथ नहीं चलता, ये साथ नहीं होता है। राजीव जेटली, ये मंदिर वाली साजिश जिसका खुलासा खुफिया एजेंसी कर रही है, कितना तैयार है हम? देखिए, हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन हैरानी इस बात की होती है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी जो कश्मीर से जुड़ी हुई है, जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर से पहले वो पाकिस्तान का नाम क्यों लेते हैं? अगर आप कश्मीर से प्यार करते हैं तो कश्मीर के बारे में सोचेंगे, कश्मीर की जनता के बारे में सोचेंगे, और नहीं चाहेंगे कि मेरे कश्मीर के अंदर कोई भी इस तरीके का तत्व आए जिससे कश्मीर के अंदर डिस्टर्बेंस हो। हैरानी होती है कि जब भी हम राजनीतिक पार्टियों को सुनते हैं तो ये बोलते हैं पहले पाकिस्तान से बात कीजिए, तो आपकी मंशा साफ हो जाती है कि आप कश्मीर के लिए नहीं पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, पाकिस्तान की विचारधारा के साथ चलते हैं, पाकिस्तान से नेगोशिएशन चाहते हैं। अरे भाई, हम चाहते हैं कश्मीर समृद्ध होना चाहिए। कितनी बार आपने इन राजनीतिक पार्टियों को देखा जब नजर आ रहे हो? 370 की बात आती है, 35A की बात आती है, तब भी कश्मीर पर चर्चा नहीं करते, उसके विकास पर चर्चा नहीं करते, ये नहीं कहते कि हाँ ये बेहतर हुआ और इससे और बेहतर होना चाहिए। लेकिन इनकी सीधा सीधा जो टिप्पणी आती है वो केवल वाली साजिश की बात कर रही हो आप, उस पे नहीं बोल रहे सर, उस पर आपको बोलना जरूरी है। आदिल नजीर खान हमारे साथ है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। आदिल नजीर खान, एक साजिश हमने देखी थी जिसमें कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था, एक बार फिर से मंदिरों को टारगेट करने किया, ये खुफिया अलर्ट आतंकियों द्वारा, खुफिया एजेंसी कह रही है, इस पर कब बोलेंगे जम्मू कश्मीर के नेता? देखिए, सबसे पहले मैं तो कहना चाहूंगा कि अभी मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि कश्मीर के नेता पहले पाकिस्तान का नाम लेते हैं, लेकिन ये हमेशा बोलते हैं कि पाकिस्तान के साथ बात कीजिए, लेकिन मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, क्या आपने 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर के लोगों से बात की? आपने कहा था 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल को आपने इलीगल तरीके से हटाया था, कहा था आतंकवाद खत्म होगा, सब कुछ खत्म होगा, कश्मीर में विकास की नदियां बह जाएंगी, वो विकास कहां है, वो आतंकवाद खत्म कहां हुआ? अब आप क्या रहे हैं खुद ये मंदिर को, आप मुझे बताइए 2019 5 अगस्त से पहले मंदिर को टारगेट बनाया जाता था, यहां सिविलियंस को इस तरह से टारगेट बनाया जाता था? ये अगर किसी का गुनाह है, अगर इसका कोई गुनहगार है, वो बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट है जिन्होंने आर्टिकल को 5 अगस्त पहले दिन राजीव जेटली आप जवाब दे लीजिए, राजीव जेटली पहले आप इन्हें जवाब दे दीजिए, उसके बाद आदिल नजीर खान मैं आपसे पूछूंगी, कश्मीरी पंडितों का बनाया हुआ था, उसके बाद मंदिरों की क्या हालत है? आपने शायद खुद नहीं देखी है, आपने शायद खुद मंदिरों की हालत नहीं देखी है। कोई बात नहीं, जवाब दीजिए पहले राजीव जेटली का। और आपने कहा कि इलीगल तरीके से, इस देश में पार्लियामेंट है जनाब, इस देश में पार्लियामेंट है, आर्टिकल 370 क्या गली कूचे में हटा दिया गया क्या सर? आप मेरे साथ चिल्लाएंगे? देखिए, मैं बाहर से आपसे बात कर रही हूँ, मेरे को ऑडियो में बहुत क्लैरिटी नहीं, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। इलीगल तरीका क्या होता है? क्या गली गली और नुक्कड़ पर हटा दिया गया क्या आर्टिकल 370? आर्टिकल 370 एक टेम्परेरी प्रोविजन था जिसे इस देश के लोकतंत्र के मंदिर ने, इस देश की पार्लियामेंट ने हटाया था। तो कम से कम ये इलीगल, धोखा, इस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल मत कीजिए। आपने सवाल पूछा है, जवाब राजीव जेटली देंगे। राजीव जेटली, अब मैं यही बताना चाहता हूँ, IIT, IIMs, AIMS, ये सब चीजें कभी कश्मीर की जनता ने कल्पना करी थी क्या? कश्मीर की जनता ने कभी कल्पना करी थी क्या कि कश्मीर के अंदर इतनी भारी मात्रा में सड़कें बनेंगी और उसकी कनेक्टिविटी 1600 किलोमीटर की हो जाएगी? कभी कश्मीर की जनता ने कल्पना करी थी कि मेरी बहन जो इसी डिबेट पर बैठी है, कश्मीर से आती है, वो कश्मीर के अंदर रह सकती है या कश्मीर के अंदर अपने अधिकार प्राप्त कर सकती है अगर वो कहीं बाहर भी शादी कर लेती है तो? क्या ये कल्पना करी थी? और आप बताइए कि कश्मीर के अंदर जिस लेवल पे काम हो उसकी चर्चा क्यों नहीं की जाती है? आपने इस डिबेट की जब शुरुआत करी सबसे पहला यही प्रश्न पूछा कि कश्मीर के अंदर जो मंदिरों पे अटैक करने की जो साजिश जो खुफिया तंत्र से जारी हुई है उसके ऊपर आपकी टिप्पणी क्या है? तो कोई कश्मीर की विकास की चर्चा नहीं है, केवल यही एक डायलॉग है कि आप पाकिस्तान से बात कीजिए। तो आप कश्मीर से ज्यादा पाकिस्तान के लिए कंसर्न है, कश्मीर की जनता के लिए कंसर्न नहीं हो? डायलॉग की बात करी आपने, डायलॉग हमारा कश्मीर की जनता से है, हम पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव से डायलॉग नहीं करना चाहते हैं। अगर आप लोग कश्मीर के साथ प्यार करेंगे तो आपके साथ हमेशा डायलॉग बना रहेगा, लेकिन अगर आपके मुंह पे पाकिस्तान का नाम होगा तो फिर चर्चा आपकी पाकिस्तान से होगी और हमारी कश्मीर की जनता से होगी। तो हमें ये लोग नहीं चाहिए बीच में, कश्मीर की जनता को विकास की धारा देने के लिए और डायलॉग करने के लिए। ठीक है राजीव जेटली और आदिल नजीर खान, मुझे लगा था शायद आप तो ज्यादा अवेयर होंगे, जम्मू कश्मीर से आते हैं सर। लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए थे सर, लोकल बॉडीज के इलेक्शन अगर हैं
तो उसमें वो किसके लिए इलेक्शंस है, उसमें कौन भाग लेता है, उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन अपने नुमाइंदे चुनता है? सर, इन सवालों के जवाब आपको देने चाहिए। लेकिन अभी सुशील पंडित यहाँ पे लोग डिनायल में है, यहाँ पे लोग डिनायल में है, चाहे वो ड्रोन वाली साजिश हो, यहाँ पे लोग डिनायल में है, चाहे आतंकियों की साजिश हो, यहाँ पे लोग इस वक्त भी पॉलिटिकल पार्टीज डिनायल में है, चाहे वो मंदिरों के खिलाफ साजिश हो और खुफिया एजेंसियां भले ही वॉन कर रही। वैसे डिनायल तो कश्मीरी पंडितों के प्लान को लेकर भी है जी। कुछ तथ्य आपके दर्शकों को जानने चाहिए, वो जानते हैं, मैं केवल याद दिला रहा हूं कि हिंदुओं का जो हिंसक निष्कासन कश्मीर घाटी से आज से 31 वर्ष पहले करवाया गया था, उसके पीछे जो मानसिकता थी वो यही थी कि कश्मीर घाटी से भारतीय संस्कृति, भारतीय आस्था और भारतवर्ष में विश्वास निष्ठा रखने वाले देशभक्त लोगों को वहां से बेदखल किया जाए, घाटी उनसे खाली करा ली जाए। इसी कारण वहां पर एक डेमोग्राफिक चेंज करवाया गया, वहां की जनसंख्या में से एक खास पहचान के लोगों को चुन चुन कर मारा। आज अगर मंदिरों पर आक्रमण हो रहा है तो उनके अवशेष नष्ट किए जा रहे हैं, उनकी याददाश्त तक को मिटाया जा रहा है, वहां के इतिहास को खुरच कर खत्म किया जा रहा है, ताकि कोई ये सोच भी ना पाए, याद भी ना रख पाए कि यहां कभी हिंदू बसते थे। ये तो रहा एक तथ्य, और यही एक कारण है कि वहां के मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, वहां के तीर्थों को निशाना बनाया जा रहा है, वहां की तीर्थ यात्राओं को रोका जाता है, उस पर आपत्तियां की जाती हैं। अब रही दूसरी बात, आपने कहा डिनायल की, ये डिनायल केवल उन लोगों का नहीं है जिन लोगों ने हमें भगाया, आपने अभी आदिल के मुंह से सुना, निलोफर के मुंह से सुना, ये उन जमातों का, उन पार्टियों का, आंदोलन भगत में शामिल थे हमें निकालने की, तो इनके मुंह से तो और कुछ आप अपेक्षा रख ही नहीं सकते कि ये इसके ऊपर लीपापोती करेंगे, इस पर डिनायल करेंगे। हमारी दिक्कत है कि इस देश की सरकारें, इस देश की सत्ताएं, प्रधानमंत्री, यहां के गठबंधन और दल भी वहां की नस्ल कुशी से, वहां के जेनोसाइड से आंखें मीचे हुए हैं। वो मुंह खोल करके इनको बोलते नहीं है कि आपने ये कुकृत्य किया है, आपने ये जघन्य अपराध किया है, वो भी डिनायल में है। तो मारने वाला भी डिनायल में है और बचाने वाला जिसकी जिम्मेदारी थी वो भी डिनायल में है, क्योंकि वो उनका दिल जीतना चाहता है। डिनायल की पराकाष्ठा ये है, राजीव जेटली जल्दी से आपका काउंट है, उसके बाद जनरल द्विवेदी। सर सर प्लीज देखिए, मैं पंडित जी का बहुत सम्मान करता हूं। आपके आपके सवाल सरकार से भी है, आपके सवाल पॉलिटिकल पार्टी से भी है, जवाब लीजिए। बार बार मैं सुशील जी का बहुत सम्मान करता हूं, इनकी भावनाओं की भी कदर करता हूं, इनकी भावनाओं को भी समझता हूं, और आपको सुशील जी का दर्द जो है, उस दर्द की कीमत जिस तरीके से इन्होंने चुकाई है, उसका अंदाजा इस देश को, इस सरकार को भी है। देखिए, हमने जो भारी स्तर पे बदलाव कश्मीर के अंदर, जो कभी कल्पना नहीं की गई थी, सोचा भी नहीं गया था कि कश्मीर के अंदर ऐसा भी हो सकता है, वो करके दिखाया है। और हम बहुत जल्द, आपको देखिएगा, कश्मीर के अंदर अभी थोड़ी बहुत मात्रा के अंदर जो राजनीतिक पार्टियां विरोध कर रही हैं, अगर इन्हें साथ, इनको बीच में से हटा दिया जाए, तो हमारी जो कनेक्टिविटी कश्मीर की जनता के साथ बन रही है, उसके बाद इनका कोई वजूद रहने वाला नहीं है। अगर ये इसी तरीके से अपने रवैये पे, अपन इसी तरीके का रवैया इन्होंने रखा, तो इनका अंत बहुत जल्द आने वाला है। आप देखिएगा, कश्मीर की जनता ने इस बात का एहसास कर लिया है, कश्मीर की जनता चाहती है कि मुझे विकास मिले, और कश्मीर की जनता को विकास मिल रहा है। हमारे जो वाल्मीकि समाज के, जो सवाल था, आपने उस पर जवाब नहीं दिया। सुशील पंडित ने आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब राजीव जेटली आपने नहीं दिया। तीन सवाल आपसे पूछे गए, आपने तीनों में से एक का जवाब नहीं दिया। जनरल द्विवेदी, यहाँ पर पाकिस्तान की बात करना चाहती हूँ, पॉलिटिकल पार्टियां तो पाकिस्तान से बातचीत करने की बात करती हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो ड्रोन वाली साजिश है, या आप जो आतंकी मंदिर को टारगेट करना चाहते हैं ताकि यहाँ पर दंगे भड़काए जा सके, ये जो इस तरह की चुनौतियां पाकिस्तान लगातार भारत के सामने पेश करता रहा है, उसका सोल्यूशन क्या है सर? क्योंकि हमदर्द तो आपके देश के भीतर भी है। मैं तो देश की बात करूंगा क्योंकि मैं सियासत में नहीं हूं, और मैं दो टुक बात करूंगा। सबसे पहले, कश्मीर का जो मामला है वो अपना अंदरूनी मामला है, उसमें पाकिस्तान की कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये मुद्दा जो है हमारा और कश्मीर भाइयों के बीच में है, पाकिस्तान के बीच में मुद्दा नहीं है। तो इसलिए हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज जो पाकिस्तान की तरफ देख रही हैं, वो गलत दिशा में दिखती हैं, पहली बात। दूसरा, ये जो 370 धारा 35 से
ये हटाएगा, बहुत कानूनी तौर पर हटाएगा, अपनी पार्लियामेंट में हटाया गया है। और ये टेम्पररी एक प्रोविजन था, और मैंने बहुत लंबी सर्विस की है कश्मीर के अंदर, ये हटाने के बिना सुधार आ ही नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ उग्रवादियों का एक डांका था, पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल निष्काम हो चुकी थी, और पुलिस फोर्सेस का मोराल बहुत डाउन था। तो जैसे ये प्रावधान हटे हैं, तो आप देखो जमीन आसमान का फर्क पड़ गया है। ये 2 साल में बहुत सुधार हुआ है, सुधार 3 तरफा हुआ है। सबसे पहले आतंकवाद का काफ़ी सफाया हुआ है, जिससे पाकिस्तान बुखलाया है, और वो ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारे जो गुमराह नवयुवक हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो काफ़ी परेशान है। दूसरा सुधार हुआ है विकास के अंदर, आप देखो नई नई IIMs, नई नई यूनिवर्सिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सारा बन रहा है। तो ये नहीं कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो अंदर हैं उनको नहीं समझ आ रहा है, उनकी मजबूरियां हैं, और ये टाइम है कि अपनी मजबूरियों को अलग करे, जो असलियत है उस पर आए, और अगर वो असलियत पर आ जाते हैं तो ये सुधार और भी तेज़ होगा। मैं तो अंत में यही कहना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान का रुख छोड़ दें, ये भारत की रुख की अंदर बात करें, और अपनी जनता के साथ बात करें, अपने विकास की बात करें, और ये पाकिस्तान की तरफ जो है वहां से जो इशारे मिलते हैं उसको नजरअंदाज करें। ठीक है, ठीक है निलोफर, यहाँ पर वही एक बात कुल मिलाकर आ जाती है, वो ये कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर की बात के नाम पर पाकिस्तान की बात क्यों की जाती है? देखिए निर्मल जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी, यहाँ सुशील जी बैठे हुए हैं, मेरे भाई है, पंडित भाई है, क्योंकि हमारा भाईचारा जम्मू कश्मीर में हमेशा रहा है। जहाँ पर ये जोनोसाइड की बात करते हैं, वहाँ पर एक ही कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया गया, क्या मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया गया, क्या सिखों को टारगेट नहीं किया गया? तो ये कहना की जोनोसाइड था खाली पंडितों का ही था या हिंदू भाई, उसमें से ये बिल्कुल गलत कहना पड़ेगा। माइग्रेशन खाली पंडित भाइयों ने नहीं की है, बल्कि उसमें काफी मुस्लिम फैमिलीज भी है, सिख फैमिलीज भी है, जिन्होंने माइग्रेशन जम्मू की तरफ की है। तो ये कहना कि आप एक ही पार्टी, एक ही कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं वहां पर जम्मू कश्मीर, ये बिल्कुल गलत है। आप मंदिर वाली साजिश पर नहीं बोलते, आप ड्रोन वाली साजिश पर नहीं बोलते, आतंकी साजिश पर नहीं बोलते, और आप एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड करते हैं, आप एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड करते हैं जो ना तो जम्मू कश्मीर को सूट करता है, ना वो भारत को सूट करता है। पता नहीं आपकी पॉलिटिक्स इतनी नकारात्मक क्यों है। हम तो हिंदुस्तानी है, यहाँ पकड़ से कहते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए, सिर्फ आपने डायलॉग की कोशिश की कि यहाँ की जनता अब कोई मसला हल करे, क्यों 74 ईयर से कोई आवाज जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों से जबानों पर है, तो क्यों नहीं आप उस चीज को देखते? एक एलिनेशन, एक वेज जो लोगों के बीच में है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को खत्म करना, ये कोई पाकिस्तान यहाँ से आकर यहाँ खत्म नहीं करेगा। मेरी आवाज, सुशील पंडित जी, देखिए अभी निलोफर जी ने मुझे अपना भाई कहा, मुझे बड़ी खुशी हुई सुनकर। बताऊं कि अगर वहां पर मुसलमान कोई मारा गया है तो वो 2 कारणों से मारा गया है। एक कारण उसका ये था कि वो भारत के हक में बात करता था, जैसे यूसुफ हलवाई आपके पार्टी का कारकुन था, उसने तिरंगा लगाया था अपनी दुकान पर 15 अगस्त के दिन, इसलिए मारा गया। या फिर वो मारा गया हमारी फौज द्वारा, क्योंकि उसने कलाश्निकोव उठाई थी, क्योंकि वो दहशत गर्द बन गया था। इन 2 कारणों से मारा गया। लेकिन जो हिंदू हटाए गए, मारे गए, भगाए गए, वो सिर्फ हिंदू होने की वजह से मारे गए, उनका और कोई कसूर नहीं था। वो भारत के हक में बात करते थे, वो भारत माता की जय बोलते थे, और वो मुसलमान नहीं थे, इसलिए और कोई नहीं, इसीलिए इनकी नस्ल कुशी हुई है। बाकी लोग अपनी अपनी वजहों से मारे गए हैं, किसी मुसलमान को मुसलमान होने की वजह से भागना नहीं पड़ा कश्मीर से। कश्मीर में आज 100% पॉपुलेशन लगभग मुसलमान है, मुट्ठी भर लोग गैर मुस्लिम है, मुसलमान को कोई तकलीफ नहीं हुई। आप मुझे बताइए कितनी कुर्बानियां यहाँ पर कश्मीरियों ने, जो मुस्लिम है या सिख कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, आप उनका नाम नहीं लेते, आप हर वक्त जेनोसाइड की बात करते हैं। आप लोगों की इस टू में देखिए, मुझे यहाँ पर ऑडियो में बहुत क्लैरिटी नहीं आ रही है, मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा कि दोनों पैनलिस्ट क्या करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं एक बात तो आपको बताना चाहती हूँ निलोफर, एक बात आपको बताना चाहती हूँ।
महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर में कहती थी 370 हटा तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा। आज मैं कुपवाड़ा में थी, वहां पर बाकायदा तिरंगा स्टिच करती हैं लड़कियां। कुन्नान पोशपुरा की बात कर रही हूं मैं, लड़कियां तिरंगा स्टिच करती हैं। 15 अगस्त से पहले उन्हें 5,000 तिरंगा जो है वो देने हैं और वो दिन रात इस पर काम कर रही हैं। तो ये तो जो पॉलिटिकल नैरेटिव आपकी पॉलिटिकल पार्टीज, जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज बिल्ड करने की कोशिश करती हैं और जो जमीनी हकीकत है उसके बीच का फासला है, ये उसके बीच का फासला है। तू तू मैं से सोल्यूशन नहीं निकलती। आप पाकिस्तान से तो बात करने की बात करते हैं लेकिन सोल्यूशन नहीं ना चाहते आप। लेकिन कम से कम जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको अपनाइए, उनकी मसाइल देखिए आप, उनके मसले क्या है वो देखिए। 370 को आपने हटाया, 335 को आपने हटाया। यहाँ के मजदूर भाई मतलब उनके पास पैसा नहीं है तो अपने घर को चलाए, किस प्रकार की बात कर रहे हैं आप? आदिल नजीर खान, आदिल नजीर खान, आदिल नजीर खान, चलिए मैं आपसे समझने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मैं लगातार यहाँ पर ग्राउंड पर जा रही हूँ। मैं कुपवाड़ा भी गई हूँ, मैं त्राल भी गई हूँ, मैं श्रीनगर में भी थी और उसके अलावा मैं अनंतनाग भी गई हूँ सर। मैं आपके टूरिस्ट प्लेसेस पर भी गई, मैं उन एरियाज में भी गई जहाँ पर लोग कहते थे हॉटबेड ऑफ मिलिटेंसी है सर। आप मुझे बता दीजिए, कि जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद आपको क्या दिक्कत का सामना करना पड़ा है, आपसे समझना चाहती हूँ मैं। क्योंकि मुझे तो लोगों ने कहा उन्हें रोजगार मिला है, लोगों ने कहा सहूलियत पहुंच रही है, लोगों ने कहा पर्यटक आ रहे हैं, बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कत? जवाब दिए दीजिए। देखिए अगर आपको कुछ गलत फहमी है दिमाग में, 370 के बाद कोई पॉलिसी चेंज जम्मू कश्मीर के अंदर आई है, ये आप गलत है। यहाँ पर 370 हटाने के बाद अगर कोई बेनकाब हुआ है वो बीजेपी हुई है, चाहे वो हर चौराहे से संसद तक इनके झूठ बेनकाब हुए हैं। यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उठा के देख लीजिए, आप नीति आयोग की एक रिपोर्ट के देख लीजिए, 36 प्लेस पे है डेवलपमेंट में जम्मू एंड कश्मीर। आप देखिए हमारी इकोनॉमी कितने डाउन चल रही है। नहीं नहीं, पहले आप ये डिफाइन कीजिए, आज मैं आपसे ये भी समझूंगी, आप डिफाइन कीजिए डेवलपमेंट क्या होती है, पहले आप डिफाइन कीजिए, आप डिफाइन कीजिए डेवलपमेंट आपके हिसाब से क्या है, डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट आपके हिसाब से क्या है? आपके हिसाब से डेवलपमेंट अगर अनुच्छेद 370 ही है और अनुच्छेद 370 से ही डेवलपमेंट आता है तो 70 साल आप क्या कर रहे थे? 70 साल आप क्या कर रहे थे? अगर यहाँ बड़े अस्पताल बने गए होते, अगर उन नौजवानों को, नौजवान इस वक्त देश के मुख्य जेलों में किस में फंसाए गए बंद है उनको वापस लाया होता। इमरान नजीर खान, इमरान नजीर खान, मेरे पास वक्त कम है, मेरे पास वक्त कम है, लेकिन एक सलाह, एक मुफ्त की सलाह है, जी न्यूज देखिए, जी न्यूज देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए, रोज देखिए, आपको सड़क भी दिखाई देगी कहाँ बन रही है, आपको अस्पताल भी दिखाई देगा, आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कहाँ बन रहे हैं वो भी दिखाई देगा, लोगों को रोजगार कहाँ कैसे मिल रहा है ये भी दिखाई देगा, और पर्यटन किस तरह से रफ्तार पकड़ रहा है ये भी आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये सब आप देखना नहीं चाहते हैं। क्लोजिंग कॉमेंट सुशील पंडित आपका लूंगी। सुशील पंडित आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी हाँ मैं आपको सुन रहा हूँ, कहिए। जी मैं कह रही हूँ इनका विकास का पैमाना क्या है, इनका विकास का पैमाना अगर सिर्फ अनुच्छेद 370 है तो फिर 7 दशकों में वो विकास क्यों नहीं हुआ? नहीं, दिक्कत इनकी ये है कि ये कहने के कुछ और करने के कुछ हैं, इनके दिखाने के दांत और हैं और खाने के और। इनके चुनाव अभियानों में विकास की कोई बात नहीं होती है, इनके चुनाव अभियानों में पत्थरबाजों को बिना किसी शर्त रिहा करने की बात होती है। ये एक से बढ़कर एक जिहाद के हामी बनते हैं जिहाद में, अपने चुनाव अभियान में। ये कभी सड़क नौकरी इनकी गुजारिश नहीं करते हैं अपने चुनाव अभियानों में, ये केवल और केवल जिहादियों का पक्ष रखते हैं अपनी चुनावी सभाओं में, पत्थरबाजों की मका महिमा मंडन करते हैं, आतंकवादियों के साथ पुष्पनाई करते हैं, उनके घर मुआवजे लेके जाते हैं। इनका एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एमपी है बारामूला से, उसने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत पाकिस्तान जिंदाबाद करके कही थी। इनकी पूरी राजनीति इस पर
जी सुशील पांडे जी, मुझे आपको इसी पॉइंट पर यहाँ पर रोकना होगा, समय की कमी है। राजीव जेटली, निलोफा, इमरान नजीर।